नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नंदनवन गणेश नगर स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में श्रावण मास के अवसर पर नंदनवन माहेश्वरी महिला मंडल की 100 महिला भक्तों द्वारा सामूहिक सुंदरकांड का पठन किया गया। श्री हनुमान जी के पूजन एवं प्रथम गणेश वंदना से पाठ प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात भजनों की प्रस्तुति में समूचा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ ताराबेन राठी डॉक्टर दिलीप राठी की माता जी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के सफलतार्थ विजय राठी, नलिनी भूतड़ा, अरुणा भूतड़ा, शांता भूतड़ा, सुनीता जायसवाल, कमला मुंदड़ा, सुरेखा जायसवाल, प्रमिला राठी, उषा राठी, निशा जाजू, नीतू राठी, गीता बागड़िया, स्मृति गुप्ता, चंद्रकला मंत्री नेहा राठी, वीणा गुप्ता, सुमन शर्मा आदि महिलाओं ने प्रयास किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हर घर तिरंगा अभियान और स्वराज्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा करते समय एक स्वच्छता अभियान भी चलाएं ताकि आपका शहर या गांव साफ सुथरा रहे। जिलाधिकारी आर विमला ने अपील की कि किसी भी हाल में तिरंगे का अनादर न किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में स्वराज्य महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा की। इस अवसर पर निवासी उप जिलाधिकारी विजया बनकर एवं सभी विभागों के अध्यक्ष मौजूद थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वराज्य महोत्सव के तहत प्रत्येक वर्ग द्वारा लिए गए कार्य की समीक्षा की। हर घर तिरंगा हम सभी का एक मिशन है और ये नई पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्ष से अवगत कराने की एक सराहनीय पहल है। इसलिए युवाओं को किसी भी अव्यवस्था की तस्वीर लेने, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की बजाय पहले उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए प्रयास चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे सौहार्दपूर्ण स्थिति बनी रहे और हर नागरिक को जागरूक किया जाए, इसी उद्देश्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने इस बैठक में स्वाभिमान और देश के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाने की अपील की। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका और लोटस कल्चर एंड स्पोर्टिंग क्लब ने आज शाम को कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार रेशम बाग में एक अभिनव कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि स्वतंत्रता के प्रेरक इतिहास पर प्रकाश डाला जा सके। शहर के पूर्व महापौर तिवारी इस कार्यक्रम में 75 क्रांतिकारियों की 75 रोचक घटनाओं का वर्णन करेंगे। तिवारी उन 75 क्रांतिकारियों की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। दरअसल इन क्रांतिकारियों का योगदान किसी पाठ्य पुस्तक या किसी माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया गया है। नागपुर महानगर पालिका प्रशासन ने अधिकतम नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। देश में बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, जीएसटी, नागरिकों का बिगड़ता स्वास्थ्य जैसी कई समस्याएं विकराल रूप धारण कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार इस पर पर्दा डाल रही है और जनता का ध्यान विभिन्न तरीके से हटा रही है। केंद्र सरकार केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है ताकि सरकार की नाकामी लोगों के सामने न आए। साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र केंद्र सरकार अपना रही है। अगर यही स्थिति रही तो देश में गरीब और अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी। युवा देश की रीढ़ की हड्डी की तरह अगर यह सब बदलना है और भाजपा को सत्ता से हटाना है तो युवाओं को उठकर संघर्ष करना चाहिए। इस आशय का आह्वान महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत ने किया। वे सावनेर में तालुका युवक कांग्रेस की समीक्षा बैठक के अवसर पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, आज भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और दूसरी बड़ी समस्या बढ़ती महंगाई है। केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगाने से दैनिक उपयोग की सभी वस्तुएं महंगी हो गई है। गांधी सागर के तट पर स्थित सिंधी समाज के प्रमुख श्रद्धा केंद्र इष्टदेव वरुणावतार झूलेलाल मंदिर में जारी चालिया महोत्सव में आयोजित निःशुल्क नेत्रजांच शिविर का श्रद्धालुओं का काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। सिंधु झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी के सतीश मिरानी से मिली जानकारी के अनुसार नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर कृष्णा भोजवानी ने सेवाएं प्रदान की। सायंकाल में पिंपरी पुणे से पंधारे संत ज्ञान दीपक ने ओजस्वी वाणी में प्रवचन दिए। संत ज्ञान दीपक ने प्रवर भक्ति महिमा का बखान करते हुए अनेक पौराणिक प्रसंगों का वर्णन किया। मंदिर के महंत मोहनदास ठाकुर के मार्गदर्शन में धार्मिक, सामाजिक व सेवा कार्य का सिलसिला जारी है। शिविर को सफल बनाने में संस्था अध्यक्ष रमेश जेसवानी, सतीश मीरानी, कोंडुमल धनराजनी, हरिराम नागपाल, मेघराज मैनानी, दीपक देव सिंघानी, मनोज मोरियानी, राजू भाई मखीजा, पप्पी आडवाणी,
सुनील जग्यासी, पप्पू बजाज, तुलसी हरियाणी, कपिल बत्रा, राम रामरखैनी, हरीश रामरखैनी, दीपक सुंदर तारवानी, सुरेश चावला, कमलेश धनवानी, राम संगतानी, राजू विधानी, मधु विधानी सहित सभी ने प्रयास किया। जैसलमेर नगर का 867वां स्थापना दिवस सीताबर्डी स्थित गंगा अपार्टमेंट के प्रांगण में मनाया जाएगा। जैसलमेर स्नेही मंच के अनमोल राजू व्यास के अनुसार जैसलमेर स्नेही मंच द्वारा कार्यक्रम का आयोजन जैसलमेर की धार्मिक परंपरा के अनुसार किया गया है। जैसलमेर के इष्ट देव लक्ष्मीनाथ तथा माँ स्वंगिया तथा राजा जैसल का पूजन किया जाएगा। जैसलमेर के तैल चित्र का पूजन एवं माल्यार्पण करके यह पर्व मनाया जाएगा। नागपुर शहर में बसे सभी जैसलमेर प्रेमियों से मंच की अपील है कि कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपनी उपस्थिति एवं योगदान दें। विश्व एकता परिषद महिला समिति के विश्व भवन श्रद्धानंद पेठ में प्रफुल्ल वातावरण में गणेश जी का पूजन किया। सावन मास के गीतों के साथ लोक नृत्य किया गया, साथ ही अनेक खेलों का आयोजन किया गया। सावन सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम पुरस्कार सीमा नितिन अग्रहरी तथा द्वितीय पुरस्कार अर्चना राम प्रकाश गुप्ता को प्राप्त हुआ। उसी तरह खेल के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार संगीता शिवदयाल अग्रहरी तथा द्वितीय पुरस्कार ममता दीपक अग्रहरी को मिला। विजेताओं को पुरस्कार मुख्य अतिथि रंजना गुप्ता, प्रोफेसर सुनीता केसरवानी तथा संस्था की संरक्षक सरोज रामकृष्ण गुप्ता ने प्रदान किए। कार्यक्रम का संचालन संगीता अग्रहरी द्वारा किया गया। महिला समिति की गतिविधियों पर रंजना गुप्ता ने प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन शिखा प्रमोद गुप्ता ने किया। अनुराधा पिंकी गुप्ता, दीप्ति गुप्ता, पिंकी, नूतन, खुशबू, अलका गुप्ता, छाया खरे, राखी, डॉली, माया, श्वेता, शोभा, सोनी आदि महिलाओं ने सावन महोत्सव का आनंद लिया। भारत स्वाभिमान पतंजलि महिला समिति दक्षिण नागपुर द्वारा महात्मा फुले गार्डन में बहुत हर्षोल्लास के साथ जड़ी बूटी दिवस मनाया गया। इस शुभ अवसर पर सभी योग साधकों ने योग गुरु योगाचार्य रामदेव बाबा एवं आयुर्वेद के विशेषज्ञ आचार्य बालकृष्ण महाराज को याद कर पूजा अर्चना की। महिला समिति प्रमुख एवं महाराष्ट्र पूर्व राज्य प्रभारी शोभा भागिया, दक्षिण विभाग प्रमुख बालाजी पावड़े, महामंत्री दीपक जरगर, महिला योग प्रभारी नागपुर ऋतु जरगर, दक्षिण विभाग योग साधक राशर जयप्रकाश सूर्यवंशी, पद्मा मेश्राम, आशा चिवटकर तथा अन्य योग साधकों का सहयोग मिला। इस अवसर पर महिला योग समिति प्रमुख भागिया ने सभी योग साधकों को एकजुट होकर योग प्रचार प्रसार कर नए नए योग साधकों को जोड़ने के लिए मार्गदर्शन किया। महिला प्रभारी ऋतु जगरकर ने समस्त नई नई जड़ी बूटियों के लाभ तथा उनके गुणधर्म उपयोग के बारे में समस्त जानकारी देकर योग योद्धाओं को संबोधित किया। अंत में जयप्रकाश सूर्यवंशी ने समस्त योग साधकों का आभार व्यक्त किया तथा सभी को इसी प्रकार से हमेशा सहयोग करने की अपील की। दपुमरे के मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उपल के नेतृत्व तथा रविश कुमार सिंह वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के मार्गदर्शन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा माल लदान क्षेत्र में जुलाई 2022 में 0.66 मिलियन टन माल लदान किया गया है, जिसके फलस्वरूप 63,40,00,000 रुपए की आय हुई है, जो कि पिछले वर्ष ही इसी अवधि की तुलना में 27.33% अधिक है। टिकट चेकिंग क्षेत्र में जुलाई 2022 माह में विभिन्न गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों में चलाए गए टिकट जांच अभियानों के अंतर्गत बिना टिकट अनियमित यात्रा तथा बिना माल बुक किए गए लगेज के 36,480 मामले दर्ज कर कुल 2,04,00,000 वसूले गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक है। जुलाई माह में लगभग 1.17 मिलियन टिकटों की बिक्री की गई है, जिससे 19,14,00,000 रुपए की आय अर्जित हुई है। इसके अलावा इस माह पार्सल लदान कार्यों के अंतर्गत 1 से 31 जुलाई तक कुल 874 टन पार्सल की लैंडिंग से 27,07,000 रुपए की आय अर्जित की गई। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है।
इस वर्ष इंद्रदेव कहर ढा रहे हैं। जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ दोगुनी बारिश के बाद अगस्त महीने में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। आगामी 24 घंटे यानी 9 अगस्त को जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। बीते 36 घंटों में सिटी के रिकॉर्ड तोड़ 124.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। रविवार सुबह 8:30 बजे से लेकर सोमवार सुबह 8:30 बजे तक शहर में 108.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। रविवार की रात को धुआंधार बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं सोमवार को भी सुबह से धूप निकली लेकिन शाम 6 बजे के बाद बादल फिर से बरसे। रात को 8:30 बजे तक मौसम विभाग ने शहर में 15.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की थी। पिछले 36 घंटों में 124.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस सीजन की सर्वाधिक बारिश है। सिटी सहित जिले भर के नदी नाले उफान पर है। कई छोटे बांध व तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। पेंच नदी पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित चौरई डैम 85% भर चुका है। कहने को नागपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, लेकिन कड़वा सच यह है कि जहाज से फिलहाल एक भी इंटरनेशनल उड़ान नहीं है। इतना ही नहीं, देश के कई व्यापारिक शहरों के लिए भी सीधी उड़ान की सुविधा नहीं है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ, अहमदाबाद और कोलकाता के लिए उड़ान है। उस पर भी कोलकाता के लिए एक ही फ्लाइट है। नागपुर देश के मध्य हिस्से में स्थित है और यहाँ से पूरे देश की परिवहन कनेक्टिविटी है। इसी के चलते व्यापारियों और उद्यमियों का बड़ी संख्या में आना जाना नियमित रूप से लगा रहता है। लेकिन जयपुर, कोटा, सूरत, कोचीन सहित अनेक शहरों के लिए भी फ्लाइट नहीं है। हालात यह है कि पहले यहाँ से दोहा और दुबई के लिए फ्लाइट हुआ करती थी, वह भी अब बंद है। यहाँ कार्गो, मिहान, मेट्रो है, लेकिन अनेक शहरों से डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी नहीं होने से व्यापारियों, विद्यार्थियों, विदेश में रहने वाले NRI को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। व्यापारियों व उद्यमियों ने तो इस असुविधा के चलते भारी नाराजगी भी है। सिटी को स्मार्ट बनाने का दावा बार बार किया जाता है। एजुकेशन व हेल्थ हब बनाने के प्रयास हो रहे हैं। विकास भी बड़े पैमाने पर और तेजी से किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि एयरपोर्ट में सुविधाओं, सेवा शुरू करने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। आज 9 अगस्त को दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज नागपुर के परिसर में 4 एसोसिएशन फॉर मेडिकल एजुकेशन इन यूरोप नेटवर्किंग केंद्रों का राष्ट्रीय शुभारंभ किया जा रहा है। एसोसिएशन फॉर मेडिकल एजुकेशन इन यूरोप एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन है, जो स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक विकास के उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है। HPE क्षेत्र में व्यापक योगदान के कारण AMEE ने भारत सरकार में 4 नेटवर्किंग केंद्रों को मान्यता दी है, जिनमें JNMC, DMIMS, वर्धा, मणिपाल, CMC लुधियाना और PMCH और चेन्नई आदि प्रतिष्ठानों का समावेश है। एसोसिएशन फॉर मेडिकल एजुकेशन इन यूरोप और इन 4 मान्यता प्राप्त केंद्रों के बीच सहयोग का उद्देश्य अच्छी तरह से परिभाषित राजनीति के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य शिक्षा और शैक्षणिक छात्रवृत्ति और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है। देश के अग्रणी संस्थान और स्वास्थ्य व्यवसाय शिक्षा के विभिन्न विशेषज्ञ इस योग्य पहल को औपचारिक रूप से शुरू करने के लिए एक साथ आएंगे। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में CME पैनल चर्चा और 4 AMEE नेटवर्किंग केंद्रों के राष्ट्रीय लॉन्च के उद्घाटन समारोह सहित कई कार्यक्रम शामिल होंगे। श्रावण मास के पावन पर्व पर भोई समाज पंच कमेटी द्वारा CA रोड महर्षि नाथु बाबा धाम भोईपुरा नागपुर में नगर वासियों के लिए शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पूजन 25 जुलाई 2022 से 4 अगस्त 2022 तक 11 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिव के ज्योतिर्लिंग पूजन कर भोई समाज पंच कमेटी के अध्यक्ष नंदकिशोर गौर, पूर्व अध्यक्ष किशोर करतार, कमेटी के युवा सक्रिय सचिव प्रोफेसर राहुल गौर, कार्यकारिणी सदस्य नूतन गंगोत्री ने नगर वासियों के सुख समृद्धि के लिए कामना की। कार्यक्रम के अंतिम दिन महाप्रसाद 10वीं व 12वीं में 80% या उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 12 ज्योतिर्लिंग पूजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने सर्वश्री शुभम करतार, सनी किशोर करतार, निखिल प्रेमचंद्र गौर, राजकुमार गौर, मनीष बाथो, अनिल गौर, श्यामलाल गौर, सुखराम गौर, प्रेमचंद्र गौर, निर्मला गौर, उमाबाई गौर, संगीता किशोर करतार, सोनू गौर, राधा सौंधिया, मीरा कनौजिया आदि ने अथक प्रयास किया। मारवाड़ी युवा मंच शाखा नागपुर ने
मारवाड़ी समुदाय के कक्षा 10वीं और 12वीं के मेरिट सूची में स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों का अभिनंदन किया। माहेश्वरी भवन बर्डी में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं के 60 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर कार्यालय नागपुर के तहसीलदार श्रीराम मुंदड़ा, मारवाड़ी युवा मंच के विदर्भ प्रमुख महेश बंग, MIE क्लब के सचिव विनोद चतुर्वेदी, संजय पालीवाल मारवाड़ी युवा मंच नागपुर शाखा के अध्यक्ष कन्हैया, मंत्री सचिन हेमंत शर्मा मुख्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकल्प संचालन हरीश राठी ने किया। आनंद राठी ने छात्रों को स्मृति चिन्ह दिए। कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण कन्हैया मंत्री ने किया। सचिव हेमंत शर्मा ने आभार माना और हरीश राठी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए किशोर पालीवाल, राज चांडक, प्रतीक बागड़ी, हिमांशु चांडक और मारवाड़ी युवा मंच नागपुर शाखा के पदाधिकारियों ने कड़ी मेहनत की। पुलक मंच परिवार नागपुर और अमर स्वरूप फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में गढ़चिरौली पुलिस दल के मार्गदर्शन में एटापल्ली के पास रेंगुटा ग्राम के बाढ़ पीड़ित ग्रामवासियों को एक से एक अनाज किराना किट का वितरण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नागपुर से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव में यह आयोजन किया गया। पुलक मंच परिवार द्वारा प्रतिवर्ष भाई दूज के कार्यक्रम का आयोजन दुर्गम क्षेत्र में किया जाता है। महिलाओं को साड़ी, बच्चों को कपड़े वितरित किए जाते हैं। कार्यक्रम में पुलिस उपकेंद्र रेंगुठा के सानप सदस्य, पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड, माउली मित्र मंडल के सुहास करे, अमर स्वरूप फाउंडेशन राहुल मोहरले, अशोक नागपुरे, रघुवीर मेश्राम, रोहित तायवाड़े, राहुल पांडे, पवन चौधरी, सुनील रोहनकर आदि उपस्थित थे। तेंगसुडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन नागपुर द्वारा 9वीं जिला स्तर तेंगसुडो स्पर्धा का आयोजन नागपुर शहर के गायत्री विद्या मंदिर भारत नगर में किया गया, जिसमें नागपुर जिले के 10 विद्यालयों के कुल 260 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्पर्धा में सफल खिलाड़ियों को पदक देकर और सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली स्कूल की टीम को विनर ट्रॉफी मुख्य अतिथियों द्वारा प्रदान करके विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रमुख अतिथियों में गायत्री एजुकेशन सोसाइटी के संचालक पंडित राव, प्राचार्य डॉक्टर शालिनी सोनी, शहर के सुप्रसिद्ध लेखक समाज सेवी प्रोफेसर डॉक्टर प्रीतम भीमराव गेडाम, तेंगसुडो स्पोर्ट्स एसोसिएशन नागपुर के अध्यक्ष किरण यादव, सचिव खुशाल इंगोले व पदाधिकारी नरेंद्र बिहार, विनोद डहारे प्रामुखता से उपस्थित थे। साथ ही विभिन्न स्कूल टीम की कोच और स्पर्धक खिलाड़ियों के माता पिता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आयोजक अध्यक्ष किरण यादव की ओर से डॉक्टर प्रीतम गेडाम को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रीतम गेडाम ने खिलाड़ियों को जीवन भर खेलों में सहभागी बने रहने के लिए मार्गदर्शन कर प्रोत्साहित किया। स्पर्धा में विजेताओं का चयन आगामी राज्य स्तरीय तेंगसुडो स्पर्धा के लिए किया गया है। स्पर्धा में प्रथम स्थान पर गायत्री विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल टीम, द्वितीय क्रमांक पर ब्लॉसम स्कूल तथा तृतीय स्थान पर न्यू टैलेंट कराटे अकादमी रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संस्था विभाग द्वारा 67वां रेल सप्ताह समारोह मुख्यालय स्थित सभागार में पूरी गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यालय एवं तीनों मंडल बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर के संरक्षण विभाग में कार्यरत उत्कृष्ट कर्मचारियों को प्रधान मुख्य संरक्षण अधिकारी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधान मुख्य संरक्षण अधिकारी स्तर पर संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित इस रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह में अरुण कुमार जैन, प्रधान मुख्य संरक्षण अधिकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले संरक्षण विभाग के 19 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर सहित संरक्षण विभाग मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को गरिमामयी उपस्थिति में सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संरक्षा विभाग के कई कर्मचारी अपनी कर्तव्य निष्ठा में कार्य करते हुए अभूतपूर्व प्रदर्शन किए हैं, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। प्रधान मुख्य संरक्षण विभाग के द्वारा आयोजित 67वां रेल सप्ताह पुरस्कार समारोह के दौरान अमित कुमार दास, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी राजेश एच सिंह, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी DK सिंह, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के संरक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित थे। नागपुर पूर्व के इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने द्वितीय GBM के साथ सावन तीज और मैत्री दिवस मनाया। सभी ने फेलोशिप और फ्रेंडशिप डे का आनंद लिया। क्लब के सदस्यों दीपा धवन, सरिता पराशर, आभा असुदानी, प्रियंका पंजवानी ने सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी। स्वाति रुचंदानी,
अनु खत्री और डॉक्टर गीता वर्मा द्वारा रंगीन पेशकों में क्षत्रियों के साथ समूह नृत्य कर उपस्थितियों की वाहवाही लूटी। पीपी नलिमा मलानी और अंजलि जोशी द्वारा दिलचस्प खेलों का आयोजन किया गया। उपरांत पुरस्कार प्रदान किए गए। सदस्यों को अध्यक्षा जया खत्री और सचिव निशा दुआ ने सुंदर उपहार और केक काट कर बधाई दी। आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष आशा चौधरी द्वारा दिया गया। जिला संपादक मनीषा चौधरी, आईपीपी डॉक्टर आसुदानी, मनीषा गायकवाड़, डॉक्टर मनीषा खरे, शशि नेबनी, प्रवेश अग्रवाल, मधु गोपवाणी की मौजूदगी रही। उत्तर भारतीय सभा द्वारा मोर भवन सीताबर्डी में सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों को समाज गौरव सम्मान पत्र से विभूषित किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में रमेश मेहता अध्यक्ष, महाराष्ट्र सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याणकारी एसोसिएशन रामलखन यादव, पुलिस उपाधीक्षक गौतमी प्रसाद यादव, सहायक पुलिस आयुक्त विद्याशंकर मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक ललित मिश्रा, असिस्टेंट कमांडेंट एसआरपीएफ डीबी सिंह, विदर्भ अध्यक्ष उत्तर भारतीय सभा सहित उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री उपस्थित थे। इस अवसर पर अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों का सत्कार करते हुए सिर्फ उत्तर भारतीय सभा ही नहीं बल्कि पूरा समाज गौरवान्वित हो रहा है। इस अवसर पर समाज के 30 कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का सम्मान किया गया, जो राष्ट्रपति व डीजी सम्मान आदि मेडल जीतकर अपने कार्यक्षेत्र में नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त किए हैं। प्रस्तावना में जिला अध्यक्ष रामप्रताप शुक्ला ने सभा की कार्यशैली पर प्रकाश डाला। मंच का संचालन रवि शुक्ला ने किया। आभार प्रदर्शन सुभाष उपाध्यक्ष ने किया। विदर्भ जिला, पूर्व नागपुर, पश्चिम नागपुर, उत्तर नागपुर, दक्षिण नागपुर, व्यापारी संगठन, स्वयं सुरक्षा बल, महिलावाड़ी, हेंगना, बुप्टीबोरी, मौदा, इसासनी, सौंसर, वलनी, वड़धामना, कन्हान, मध्य नागपुर के पदाधिकारियों ने अपनी कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों के साथ भारी संख्या में उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।